आप लोगों का भी रोल बनता है, जब तक आप लोग जो आपकी यहाँ की डिस्ट्रिक्ट माने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके पास नहीं जाएंगे, जो लोकल VLW साहब है या जो BDO साहब है, तो जब तक आप उनके पास नहीं जाओगे तब तक शायद ये जो ग्राउंड है आपका ये डेवलप नहीं हो पाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप लोगों को भी इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी जरूरी है, तभी जाके ये जो ग्राउंड है डेवलप हो सकता है, तभी जाके बड़े बड़े क्रिकेटर यहाँ पे आ सकते हैं। तो बाकी जितना हमसे हो सकता है उम्मीद हम भी करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इस ग्राउंड को डेवलप करने में आपका रोल अदा करे अपना, और खासकर आप स्पॉन्सर्स ढूंढिए, जब तक कि आपको स्पॉन्सर्स नहीं मिलते हैं तब तक शायद आप यहाँ पे क्वालिटी क्रिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, आपको तब तक इस ग्राउंड को सजा नहीं सकते हो, तब तक आप फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास स्पॉन्सर्स ना हो। तो मैं भी आपकी तरफ से कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं जो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस उनकी भी होती है, तो उनको फुलफिल करना जरूरी है। तो बाकी जितना हमसे हो सकता है इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे, लेकिन मेरी एक आखिरी गुजारिश ये है कि हमेशा आप टूर्नामेंट को रूल्स के मुताबिक चलाइए, अंपायर उनको रखिए जिनको नॉलेज हो। मैं जब आ रहा था तो उधर कुछ बाउंड्री पे एक मसला हुआ था, तो उसका एक ही रूल है कि आप दर्शकों से कोई बात नहीं पूछ सकते, जो वहां पे कंसर्न खिलाड़ी होता है जब बाउंड्री पे कुछ भी मसला होता है तो सबसे पहले आपको फील्डर को पूछना है, उसके बाद अगर आपने वहां पे थर्ड अंपायर फोर्थ अंपायर कुछ रखा है तो उसको पूछ सकते हैं, दर्शक मतलब जिनके होंगे जिस टीम के सपोर्टर होंगे उसके बारे में ही बोलेंगे, उनको ही फेवर करेंगे। तो ये रूल है, आप दर्शकों से कोई डिसीजन पूछ नहीं सकते हो। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमेशा गेम के रूल्स को फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका ये जो ग्राउंड है बहुत सक्सेसफुल होगा।